हेलो एवरीवन, एज पर प्रॉमिस मिक्स बैग क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का पार्ट टू हम ले आए हैं. सो वेलकम यू ऑल टू दी 25 क्वेश्चंस व्हिच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर सेशन. तो मैं यहाँ पे अज्यूम करके चलती हूँ कि आपने पार्ट वन में 25 क्वेश्चंस जो हमने कवर किए थे उसका वीडियो देख लिया है. वहां पे हमने 25 क्वेश्चन कवर किए थे, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल दैट इज न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्लस थियोरिटिकल क्वेश्चन. टाइम मैनेजमेंट है बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करने वाला है. दैट इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ मोर एंड मोर प्रैक्टिस. ये एक चैलेंजिंग एग्जामिनेशन है, नॉट बिकॉज क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं. क्वेश्चन डिफिकल्ट तभी होंगे जब प्रैक्टिस नहीं होगी. 60 मार्क्स का पासिंग और 0.25% नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब 68 करेक्ट आंसर्स आपके यहाँ पे आने जरूरी है, प्रोवाइडेड यू अटेम्प्ट ऑल 100 क्वेश्चंस. हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमने सारे टूल्स एंड टेक्निक्स जो है वो कवर किए हैं, लेकिन आपका डेडिकेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है इफ यू वांट टू पास दिस एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सीरीज टू. अ कंपनी हैज इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 लाख, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹6 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस इज 8 लाख, प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज ₹4 लाख, फिक्टिशियस असेट ऑफ ₹1 लाख, कंप्यूट नेट वर्थ ऑफ अ कंपनी. हमें यहाँ पे नेटवर्थ कंप्यूट करना है. नेटवर्थ का मतलब होता है बेसिकली शेयर होल्डर्स वेल्थ. तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स दोनों टाइप के हो सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं. नेटवर्थ कैलकुलेट करने के कई सारे फॉर्मुलेज हैं. यहाँ पे हम दो फॉर्मुले कवर करने वाले हैं. नेटवर्थ इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल आउटसाइडर्स लाइबिलिटी. बैलेंस शीट के जो असेट साइड है वहां पे टोटल असेट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं. यहाँ पे आते हैं फिक्स्ड असेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और करंट असेट्स. और एक चीज हमें बैलेंस शीट के असेट साइड में देखने के लिए मिलती है, वो है फिक्टिशियस असेट्स. दे लुक लाइक असेट बट दे आर नॉट एक्चुअल असेट्स. इनको फेक असेट भी बोला जाता है, मतलब ये असेट्स की जैसे दिखते हैं लेकिन ये असेट्स रहते नहीं है. एग्जाम्पल के तौर पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर जो है वो फिक्टिशियस असेट्स है, अंडर राइटर्स कमीशन, हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर पर्टिकुलर ईयर में लॉस हुआ है तो भी एक फिक्टिशियस असेट्स है क्योंकि ये लायबिलिटी नहीं है. जो जो प्रॉफिट कंपनी कमाती है वो ओनर्स का प्रॉफिट होता है, इसके लिए कंपनी का लायबिलिटी होती है. लेकिन एक पर्टिकुलर साल में अगर कंपनी ने लॉस कराया है तो वो लायबिलिटी नहीं आएगी, तो ये एसेट होगा लेकिन ये फिक्टिशियस असेट्स होगा. R&D एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा अगर कैरी आउट किए हैं, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहा है उसके लिए काफी सारा अगर आपने रिसर्च किया हुआ है तो ये भी फिक्टिशियस असेट्स में आ सकते हैं. और यहाँ पे फिक्टिशियस असेट्स को ओवर द टाइम राइट ऑफ करना पड़ता है, तो उसका जो एक इफेक्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस साइड में जाता है और दूसरा इफेक्ट जो है वो आपको बैलेंस शीट में आपके एसेट्स से रिड्यूस हो जाता है, पर्टिकुलर फिक्टिशियस असेट से रिड्यूस हो जाता है. तो ये हमने हमारे कॉलेज टाइम में कवर किया था. तो आपका जो टोटल असेट्स है इसमें सिर्फ तीन एस्पेक्ट आएंगे, फिक्स्ड असेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड करंट असेट्स. यहाँ पे फिक्टिशियस असेट्स अगर रहेंगे भी तो भी हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे. नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए आपको टोटल असेट्स माइनस टोटल आउटसाइडर्स लाइबिलिटी चाहिए. आउटसाइडर लाइबिलिटी जो है इसमें भी हम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ आउटसाइडर्स को देने के लिए जो पैसा हम यूटिलाइज कर सकते हैं वो. तो ये लाइबिलिटी आपकी आएगी जैसे आपके बैंक के लोन हो सकते हैं, डिबेंचर्स अगर आपने कोई इशू किए रहेंगे तो वो हो सकते हैं, करंट लाइबिलिटी हो सकती है और हो सकते हैं जो प्रोविजन आपने क्रिएट किए हैं वो. ये सारी चीजें आपको डिडक्ट करने के बाद आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपका नेटवर्थ. नेटवर्थ इज नथिंग बट शेयर होल्डर्स वेल्थ. तो दोनों टाइप के शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला इक्विटी या प्रेफरेंस. जो सेकेंड फॉर्मूला हमारे सामने आ रहा है वो शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, मतलब हम इक्विटी शेयर होल्डर्स का कैपिटल लेंगे प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अगर कोई कैपिटल है तो उसको हम ऐड करेंगे, प्लस हम जो भी रिजर्व्स और सरप्लस है अभी तक के एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स अगर कोई है तो उनको भी हम ऐड करेंगे, और करंट ईयर का अगर प्रॉफिट है इन केस तो उसको भी हम ऐड करेंगे, लॉस है तो हम उसको डिडक्ट करेंगे. और हम उसमें से डिडक्ट करेंगे सारे फिक्टिशियस असेट जिसको मैंने बोला था कि दे लुक लाइक असेट दे आर नॉट एक्चुअल असेट्स. मैं कोई कोई चीज को अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ क्योंकि हमारे कोई कोई कॉन्सेप्ट जो है वो कॉलेज लेवल पे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुए थे और उसकी वजह से कुछ एम्बिग्युटी रह गई होगी, तो उसको अभी रिजोल्व करना जरूरी है क्योंकि अभी आप एक रिसर्च एनालिस्ट बनने जा रहे हो और जहाँ पे हमारा डिटेल एनालिसिस एक बैलेंस शीट का या फिनेंशियल परफॉर्मेंस का एक्सपेक्टेड है आपके पास से.
ओके, तो अभी हमने दो टाइप के फॉर्मूले देख लिए, अभी हम देखेंगे कि हमारा फॉर्मूला कहाँ पे फिट हो रहा है। तो हमारा फॉर्मूला जो है वो सेकेंड पार्ट में फिट हो रहा है, जहाँ पे हमें इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू दी थी दैट इज 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वैल्यू दी थी दैट इज 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस हमें पता थे जो 8 लाख के थे, और करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो 4 लाख का है। तो फिक्टीशियस असेट्स की भी वैल्यू हमें दी थी 1 लाख की, जो हम उसमें से डिडक्ट करेंगे तो हमारा नेटवर्क जो आएगा वो आएगा 26 लाख का। तो ऑप्शन है 24 लाख, 46 लाख, 16 लाख एंड 26 लाख। द करेक्ट आंसर इज 26 लाख। नेक्स्ट, सेल ऑफ अ कंपनी आर 200% ऑफ एबिट, द नेट प्रॉफिट मार्जिन इज 20%, कैलकुलेट द एबिट परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। पार्ट वन में भी हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चन किए थे, और मैंने बोला था तभी भी कि ये एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, हम इसको पहले वर्टिकली लिख देते हैं। पहले आते हैं हमारे सेल्स, फिर आता है हमारा एबिट, और फिर आता है हमारा प्रॉफिट। ओके, तो जैसे हमारे रेवेन्यू स्टेटमेंट में इनका प्लेसमेंट है, वैसे ही हम इनको पहले प्लेस कर देंगे। सेल्स ऑफ अ कंपनी आर 200% ऑफ एबिट, तो अगर एबिट 100 होगा तो सेल्स होंगे 200% ऑफ एबिट दैट इज 200। द नेट प्रॉफिट मार्जिन इज 20%, तो ये जो 20% है वो सेल्स पे, क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन सेल्स पे कंप्यूट होता है। अगर ये 100% रहेगा तो एबिट कितना होगा, एबिट होगा 50, क्योंकि ये हाफ है। एबिट 100 था तो सेल्स 200 है, एबिट 50 होगा तो सेल्स 100 होंगे। फाइन, अभी हमें कैलकुलेट करना है एबिट परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, मतलब एबिट टू नेट प्रॉफिट हमें चाहिए, एबिट टू नेट प्रॉफिट। तो हमें परसेंटेज चाहिए, मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। हम एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, 50 को मल्टीवाइड कर रहे हैं 20 के साथ और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 के साथ। तो हमारा आंसर आएगा 250%। हम ऑप्शन देख लेते हैं, 25%, 50%, 250%, 125%, हमने कंप्यूट किया है 250%। नेक्स्ट, सेल्स रेवेन्यू ₹20 लाख, डायरेक्ट टैक्सेस ₹2 लाख, इनडायरेक्ट टैक्सेस ₹4 लाख, कैलकुलेट नेट सेल्स। नेट सेल्स निकालने के लिए हमें जो टोटल सेल्स रेवेन्यू है उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस रिड्यूस करने होंगे, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो लेवी होते हैं ऑन योर प्रॉफिट्स। इसलिए अभी हम करेंगे टोटल सेल्स रेवेन्यू माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट मीन्स 20 लाख माइनस 4 लाख इक्वल टू 16 लाख। तो नेट सेल्स आर नथिंग बट 16 लाख। नेक्स्ट, डैश इन्वेस्टमेंट मोस्ट प्रोबेबली हैज द हाईएस्ट अनसर्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। ऑप्शन देख लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल, इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है कि वेंचर कैपिटल है ये सबसे ज्यादा रिस्की होगा। अब ये रिस्की क्यों होगा, वेंचर कैपिटल जो है वो अपने आप में एक अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट है, कंपनी को अपने आप को अभी तक प्रूव करना बाकी है, तभी वेंचर कैपिटलिस्ट लुकिंग एट द कंपनीज प्रोडक्ट प्रॉस्पेक्ट एंड मार्केट फिट कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो इनका इंटेंशन क्या होता है, इनका इंटेंशन ये है कि कंपनी का वैल्यूएशन जब बढ़ेगा तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो अपना एग्जिट बनाएंगे, अपने इक्विटी शेयर जो है वो बेच देंगे और उनको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर बिजनेस फेल हो गया तो, या एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन क्रिएट नहीं कर पाया तो क्या होगा, तो वेंचर कैपिटलिस्ट का एग्जिट इतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा, शायद उनका पैसा जो है वो डूब भी सकता है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट जब इन्वेस्ट करते हैं वैसे बिजनेसेस के लिए अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो सकती है, और ये काफी रिस्की कैपिटल जो है वो टर्न आउट हो सकता है। दैट्स व्हाई द वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मोस्ट प्रोबेबली हैज द हाईएस्ट अनसर्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न्स। नेक्स्ट, इफ एन ऑडिटर इज अनेबल टू वेरीफाई एनी पार्ट ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल्स ड्यू टू लैक ऑफ डेटा, ही विल प्रोवाइड डैश रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट ये प्रोवाइड करेगा, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट और रिपोर्ट विद अ डिस्क्लेमर। ऑडिटर एक रिपोर्ट प्रोवाइड करता है आफ्टर स्क्रूटिनाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी एंड इट्स सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे ऑडिटर जो है अपने आप को डिस्टेंस कर रहा है कोई भी एक ओपिनियन देने से, क्योंकि जो फाइनेंशियल डेटा या इन्फॉर्मेशन उसने मांगी थी वो उसे मिली नहीं है। तो वेन एवर द सडन डेटा और इन्फॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड एज एंड वेन इट वॉज आस्क फॉर, जो रिपोर्ट आपका ऑडिटर देगा उसे हम बोलेंगे रिपोर्ट विद अ डिस्क्लेमर। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है, तो ये एक क्लीन रिपोर्ट होती है, और क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है जहाँ पे एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये नहीं प्रोवाइड की जाती है।
सो व्हेन ऑडिटर इज अनेबल टू वेरीफाई एनी पार्ट ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल ड्यू टू लैक ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन, ही विल बी प्रोवाइडिंग अ रिपोर्ट विद अ डिस्क्लेमर. नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आर प्राइस टेकर्स एंड नॉट प्राइस मेकर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन जस्टिफाइज दिस स्टेटमेंट? एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सेलर है वो यहाँ पे प्राइस, जो भी मार्केट ड्रिवन प्राइस है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, अपने प्राइस जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, या अपना प्राइस जो लगा के मार्केट में नहीं बेच सकता है. मे बी क्योंकि यहाँ पे डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा हो सकता है. सेकेंडली यहाँ पे कॉम्पिटिशन ज्यादा हो सकते हैं. थर्डली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ज्यादा हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो सकते हैं. तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे. द मार्जिन ऑन सेल्स आर लो, तो यहाँ पे सेल्स के ऊपर का मार्जिन जो है वो कम है, ओनली बिकॉज यहाँ पे कॉम्पिटिशन ज्यादा है, ऑप्शन लोगों के पास ज्यादा अवेलेबल है. तो यहाँ पे आप ज्यादा प्राइस जो है वो आपके प्रोडक्ट का नहीं रख सकते, लोग जो है यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे एक मैन्युफैक्चरर से दूसरे मैन्युफैक्चरर के पास, या एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर के पास. सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, स्टिफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट एंड टू मैच अप विद इट्स कॉम्पिटिटर्स द प्राइजेस शुड बी. डेफिनेटली कॉम्पिटिशन ज्यादा रहेगा, तो आपने देखा रहेगा इन लाइन विद सारे जो प्रोडक्ट्स के प्राइजेस रहते हैं. जब तक आपके प्रोडक्ट का कोई यूएसपी नहीं है, तब तक आप मार्केट में प्राइजेस डिक्टेट नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अगर मार्केट में अवेलेबल होंगे तो भी आप देखते हैं कि जो सप्लायर है या जो मैन्युफैक्चरर है वो प्राइस ले लेता है जो मार्केट ड्रिवन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सब्स्टिट्यूट के हिसाब से आप बोल सकते हैं फिजिकल बुक एंड ई बुक्स, तो आपके पास ऑप्शन है. अगर फिजिकल बुक एक्सपेंसिव होंगे तो आप ई बुक की तरफ आप जा सकते हो, या तो कोक पेप्सी, बहुत ऑप्शन आपने ये देखा, ये काफी सिमिलर है. ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिश टीवी. ओके, अगर ओटीटी एक्सपेंसिव हो जाएगा तो लोग डिश टीवी की तरफ जाएंगे, डिश टीवी एक्सपेंसिव हो जाएगा तो आपके पास ओटीटी का ऑप्शन है. हो सकता है और भी, लैपटॉप और डेस्कटॉप. तो यहाँ पे प्राइस टेकर्स हो सकते हैं इश्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स भी अवेलेबल है. तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबाव. नेक्स्ट, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री द पॉलिसीज रिलेटेड टू डैश आर गवर्न्ड. पहले तो देखना है हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री में कितने डिपार्टमेंट आते हैं. तो आते हैं यहाँ पे ऑल टुगेदर 6 डिपार्टमेंट, जिसमें से एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट में आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, एंड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. यहाँ पे स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और यहाँ पे मार्क जाने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसके लिए यहाँ पे काफी केयरफुली काम करना है. डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो हैंडल करता है इशू रिलेटेड टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज एंड पेंशन रिफॉर्म्स. तो इसके रिलेटेड कुछ भी इश्यूज रहेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज करेंगे. ऑप्शन देखते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज एंड प्राइवेट कॉर्पोरेशन, यस ये डिपार्टमेंट में आएगा. पेंशन रिफॉर्म्स हमने अभी डिस्कस किया, और लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, दैट मीन्स पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज जो है ये भी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ही हैंडल करती है, इसलिए ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबाव. नेक्स्ट, डैश इज और आर अनसिस्टमैटिक रिस्क और रिस्क. ऑप्शन देखते हैं, क्रेडिट रिस्क, बिजनेस रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ऑल ऑफ द अबाव. अनसिस्टमैटिक रिस्क जो रहता है वो सेक्टर स्पेसिफिक या कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है, और इसको डाइवर्सिफिकेशन से हम रिड्यूस कर सकते हैं. तो सबसे पहले रिस्क देखते हैं, क्रेडिट रिस्क. यस, ये अनसिस्टमैटिक रिस्क है. क्रेडिट रिस्क को डिफॉल्ट रिस्क भी बोलते हैं. क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है बेसिकली जो आपने जो इंस्ट्रूमेंट इशू किए हैं, फिर वो बॉन्ड्स हो सकते हैं या आपने लोन लिया हो सकता है मार्केट से, यहाँ पे आपने अगर रीपेमेंट नहीं किया या इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया तो यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट रिस्क. तो किसी कंपनी में कोई क्रेडिट इवेंट आ जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्रेडिट रिस्क जो है वो या कंपनी के एंटायर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, या तो हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर बॉन्ड आपने इशू किया और कंपनी में कोई इशू प्रॉब्लम हो गया, उसकी वजह से बॉन्ड का वैल्यूएशन या बॉन्ड का रेटिंग जो है वो कम हो गया. अगर बॉन्ड की रेटिंग कम हो जाएगी तो भी क्रेडिट रिस्क जो है वो अराइज होता है. तो वो बॉन्ड स्पेसिफिक या कंपनी स्पेसिफिक एक इश्यू है या एक इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक इश्यू है, इसलिए वो अनसिस्टमैटिक रिस्क है. सेकेंड, हो सकता है बिजनेस रिस्क. अभी बिजनेस रिस्क में क्या क्या आता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आती है. जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकते हैं, एक बैंक रिलेटेड अगर आप इशू देखोगे तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है किसी भी बैंक के क्लाइंट के लिए, किसी भी बैंक के डिपॉजिटर के लिए.
फिर फ्रॉड हो सकता है, कंप्लायंस रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं कि आपने कंप्लायंसेस पूरे नहीं किए, फिर वो एनवायरमेंट कंप्लायंस हो सकते हैं या रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हो सकते हैं, उसकी वजह से बिजनेस रिस्क में आ सकता है। लाइसेंसिंग का प्रॉब्लम हो सकता है आपका कि लाइसेंस चला गया या कोई रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स हो गए तो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या बिजनेस को इश्यू हो गए। ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है, जैसे आपके जो लेबर है उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, उनमें अनरेस्ट है, दे आर नॉट हैप्पी विद द वर्किंग कंडीशंस और दी रेमुनरेशन प्रोवाइडेड टू देम वॉट एवर, और उसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो ये बिजनेस रिस्क हो सकता है। या तो फिर वर्किंग कैपिटल का रिस्क हो सकता है कि आपके पास सफिशियंट फंड नहीं है टू कैरी आउट योर डे टू डे ऑपरेशंस। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकता है, रेपुटेशनल रिस्क हो सकती है कि कोई नाम खराब हो गया है कि प्रोडक्ट की वजह से, या कोई रिपोर्ट आ गया है नेगेटिव आपका उसकी वजह से, या कोई फ्रॉड हो गया उसकी वजह से, तो ये सारी चीजें बिजनेस रिस्क एसोसिएटेड है। उसके बाद आता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क जो है वो भी एक अनसिस्टमैटिक रिस्क का ही टाइप है। एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जो है वो मार्केट में इन कैश अगर आप नहीं कर पाओ तो लिक्विडिटी रिस्क आ सकती है, या इन कैश कर लो लेकिन जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो आपको नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ कंपनी के शेयर्स खरीद लिए थे, ऑलमोस्ट 1 लाख शेयर्स मेरे पास उस कंपनी के हैं। आज मुझे उनको इन कैश करना है मार्केट में, लेकिन वहां पे ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, ज्यादा डिमांड नहीं है वो पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को, तो जो इम्पैक्ट कॉस्ट है मुझे ज्यादा बेयर करना पड़ सकता है। तो क्रेडिट रिस्क, बिजनेस रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ये सारे अनसिस्टमैटिक रिस्क में आते हैं। इसके लिए आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ फाइनेंशियल एसेट में जनरेट बोथ वन टाइम कैश फ्लो, दैट इज कैपिटल अप्रिसिएशन एंड ऑल्सो रिकरिंग इनकम। दो टाइप की बात हो रही है यहाँ पे इनकम की, एक तो कैपिटल अप्रिसिएशन के फॉर्म में इनकम होगा प्लस रिकरिंग इनकम भी मिलेगा। ऑप्शन देख लेते हैं, बॉन्ड्स, बॉन्ड्स में रिकरिंग इनकम मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, और कैश फ्लो जो है वो वन टाइम मिलेगा जब भी बॉन्ड मच्योर होंगे, लेकिन कैपिटल अप्रिसिएशन का यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। बॉन्ड्स जो फेस वैल्यू पे इशू किए थे वो फेस वैल्यू जो है आपको मैच्योरिटी के टाइम पे मिल जाएगी। गोल्ड में एक वन टाइम कैश फ्लो ही होता है, जब भी आपने गोल्ड खरीदा था, मे बी 10 साल के बाद आप बेच रहे हो तो वो टाइम पे आपको कैश फ्लो मिलेगा, या तो पैसे आ जाएंगे गोल्ड बेचने के बाद। इक्विटीज, यस, यहाँ पे इट मे जनरेट कैपिटल अप्रिसिएशन एंड रिकरिंग इनकम। अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, मे बी आपने एक शेयर खरीदा है 500 में और उसको जब लिक्विडेट किया, जिसको बेचा तभी वो 700 का था, तो इट जनरेटेड कैपिटल अप्रिसिएशन ऑफ 200 रुपीज पर शेयर। और उस कंपनी ने अगर डिविडेंड भी दिया है तो यस, रिकरिंग इनकम भी आ गया इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो इक्विटी जो है वो करेक्ट आंसर है, बॉन्ड एंड इक्विटी बोथ, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन इज इक्विटीज। नेक्स्ट, द एबिट ऑफ द कंपनी इज 30% ऑफ इट्स बिजनेस, दैट इज सेल्स। टोटल बिजनेस इज ₹1 करोड़, मतलब टोटल सेल्स 1 करोड़ के है। द साइज ऑफ द बैलेंस शीट, दैट मीन इक्विटी प्लस डेट मिला के जो बैलेंस शीट की साइज है वो 3 करोड़ की है। कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है एबिट, एबिट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 हम करेंगे तो हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको ROCE भी बोला जाता है, मिलेगा। तो एबिट है हमारा 30% ऑफ सेल्स और सेल्स है 1 करोड़ का, तो हमारा एबिट आ जाएगा 30 लाख। तो एबिट हमें मिल गया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें चाहिए टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये है टोटल साइज ऑफ द बैलेंस शीट, और ये है 3 करोड़। तो अभी हमारा ROCE का फॉर्मूला है एबिट डिवाइडेड बाय टोटल बैलेंस शीट साइज और कैपिटल, टोटल कैपिटल इनटू 100। सो ROCE इक्वल टू 30 लाख डिवाइडेड बाय 3 करोड़, दैट इज नथिंग बट 300 लाख इनटू 100। आंसर इज 10%। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन इज 10%। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वुड डिटरमाइन एन इन्वेस्टर्स अर्निंग फ्रॉम द बिजनेस। ऑप्शन देखते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, मार्केट कंडीशन, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन। अर्निंग्स अगर हमें चाहिए तो हमें नंबर चाहिए, डेटा चाहिए, और नंबर हमें मिलेंगे परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के सेल्स क्या है, कंपनी के प्रॉफिट क्या है, कंपनी का नेटवर्थ क्या है, ये सारी चीजें हमें कंपनी के इन्वेस्टर्स का अर्निंग जो है वो डिटरमिन करेंगे। इसलिए ऑप्शन है परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी।
नेक्स्ट, इनसाइडर इंफॉर्मेशन इज अ प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी विच इज नॉट अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक. दैट इज ट्रू. इनसाइडर इंफॉर्मेशन जो रहती है वो जब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आती है तब तक वो अंदर ही रहनी चाहिए. तो पहले समझते हैं कि इनसाइडर इंफॉर्मेशन क्या है. तो कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में या प्लान रिलेटेड टू एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, एनी अक्विजिशन अगर कंपनी में होने वाला है, कोई मर्जिंग एक्टिविटी होने वाली है टू क्रिएट सिनर्जी, ये सारी इनसाइडर इंफॉर्मेशन है और ये काफी प्राइस सेंसिटिव भी होती है. और इन्फॉर्मेशन है जैसे डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है कंपनी, या स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, रिवर्स स्प्लिट हो रहा है, एफपीओ आ रहा है, या प्रॉफिट डिक्लेरेशन होने वाला है, ये भी काफी प्राइस सेंसिटिव होता है. मतलब कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी है तो इसकी इन्फॉर्मेशन टाइम के पहले अगर बाहर निकल जाती है तो उसका गलत इस्तेमाल करते हुए कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लोगों के लिए उसका फायदा हो सकता है, और वो नहीं होने के लिए सेबी ने काफी सारे करेक्टिव मेजर्स लिए हुए हैं. तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन इज अ प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी विच इज नॉट अवेलेबल टू जनरल पब्लिक. जब भी ये पब्लिक डोमेन में आनी होगी तभी वो आ जाएगी. उसका जो इंटीमेशन है ये कंप्लायंस ऑफिसर को, स्टॉक एक्सचेंजेस को देना पड़ता है, और कंपनी अपने वेबसाइट पे भी इसको डिक्लेयर कर देती है. देखो बात ये है कि सेबी इसके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत सख्त है. काफी करेक्टिव मेजर्स जो है या विजिलेंट एक्शंस के थ्रू सेबी ने इस इनसाइडर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो रहती है उसको रोकने की कोशिश करती रहती है, कर रही है. तो ऑप्शन इज ट्रू. नेक्स्ट, डैश इज एन एक्ट ऑफ परचेज और सेल ऑफ एन एसेट इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ गेन फ्रॉम चेंजेस इन द प्राइस ऑफ दैट एसेट ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जब शॉर्ट पीरियड की बात करते हैं तो एक्चुअली स्पीकिंग हम लोग स्पेकुलेशन की बात करते होते हैं, क्योंकि स्पेकुलेटर जो रहते हैं वो एंटिसिपेट करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में जो है वेरी शॉर्ट टाइम में मुझे जो भी प्राइस में एक्शंस होगा उससे फायदा होगा. तो या तो वो परचेजिंग भी कर सकते हैं, मतलब परचेज करके रखा फिर सेल किया, या वो लोग शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं. ये सारी एक्टिविटीज स्पेकुलेटर्स करते हैं विद द इंटेंशन ऑफ गेनिंग प्रॉफिट आउट ऑफ द एक्शंस टेकन बाय देम. तो ऑप्शन इज स्पेकुलेशन. नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एडमिनिस्टर पॉलिसीज रिलेटिंग टू पेंशन रिफॉर्म्स, लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस, पब्लिक सेक्टर बैंक्स. इश्यूज रिलेटेड टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन रिफॉर्म्स, इसको हैंडल करता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है ये लुक आफ्टर करता है इश्यूज रिलेटेड टू लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस. फिर वो डायरेक्ट टैक्सेस भी हो सकते हैं या इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसको हम जीएसटी बोलते हैं वो भी हो सकता है. इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो है उसका इन्वेस्टिगेशन का करने का काम भी है, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू करता है, और इकोनॉमिक लॉस को एनफोर्स करने का काम भी यही डिपार्टमेंट करता है. इसलिए ऑप्शन इज फॉल्स. नेक्स्ट, द मार्जिन चार्ज बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज आर. कौन सी मार्जिन जो है वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन चार्ज करता है. मार्क टू मार्केट मार्जिन, इनिशियल और अपफ्रंट मार्जिन, वैल्यू एट रिस्क, बोथ ए एंड बी. तो वैल्यू एट रिस्क जो है वो वार, ये कैलकुलेट करने के लिए मार्जिन काम आता है कि कितना वार मार्जिन जो है वो कलेक्ट करना चाहिए. हाँ, लेकिन मार्क टू मार्केट मार्जिन और इनिशियल और अपफ्रंट मार्जिन जो है वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कलेक्ट करता है. तो अपफ्रंट मार्क टू मार्केट कैलकुलेट किया जाता है ऑन अ डेली बेसिस. एक ट्रेडर की सभी ओपन पोजीशंस को कंपेयर किया जाता है, जैसे ट्रांजैक्शन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस ऑफ दैट सिक्योरिटी, और वो चेक करने के बाद अगर लॉस है तो एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो ट्रेडर के पास से कलेक्ट किया जाएगा. रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है उसको इन प्लेस रखने के लिए ही मार्जिन कलेक्ट किए जाते हैं. तो स्टूडेंट्स, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को इन प्लेस रखने के लिए ही मार्जिन कलेक्ट किए जाते हैं. इनिशियल मार्जिन ये एक अमाउंट है जो ट्रेडर्स को डिपॉजिट करनी होती है इन अकॉर्डेंस विद द परसेंटेज ऑफ एक्सपोजर ही इज डिजायर्ड टू टेक इन द कैपिटल मार्केट. सो स्पैन कैलकुलेटर एक होता है जिसकी मदद से आप अपना जो इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको कैलकुलेट कर सकते हो. तो वार क्या है? तो वार जो है एक स्टेटिस्टिकल पैरामीटर है जो क्वांटिफाई करता है पॉसिबल फाइनेंशियल लॉसेस को. मार्जिन सिस्टम जो है वो एक मार्केट रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है, और मार्जिन का कैलकुलेशन वार की हेल्प से होता है. तो ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, मार्क टू मार्केट मार्जिन और इनिशियल अपफ्रंट मार्जिन जो है वो कलेक्ट किया जाता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा. नेक्स्ट, अ फॉरेन इन्वेस्टर हैज इन्वेस्टेड इन द एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंट्री, दिस इज नोन एज. एक फॉरेन इन्वेस्टर जब भी इंडिया की किसी भी एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, जैसे इंडियन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, या किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहा है,
तो यहाँ पे बोला जाता है उसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और ये करते हैं यूजुअली फॉरेन पेंशन फंड्स, फॉरेन की इंश्योरेंस कंपनीज, या हो सकते हैं फॉरेन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनियां। तो आंसर है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, व्हेन अ कंपनी गिव्स न्यू शेयर्स टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विदाउट एनी कंसिडरेशन, इट इज नोन एज स्टॉक डिविडेंड। तो यस, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आप शेयर दे रहे हो लेकिन वहां पे सामने कोई भी पैसा नहीं ले रहे हो, तो इसे स्टॉक डिविडेंड बोला जाता है, या तो इसे बोनस शेयर्स भी बोले जाते हैं। तो जब बोनस शेयर्स होंगे तब यहाँ पे शेयर्स मिलेंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, लेकिन पैसा नहीं कलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है, कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया है 2:1 के रेशियो में, और कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो है से ₹300। तो बोनस के बाद क्या हो जाएगा, आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे लेकिन वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर के ऊपर कोई भी असर नहीं गिरेगा, ना ही टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का वो चेंज होने वाला है। ये एक सिर्फ बुक एंट्री है जहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व किया जाता है। मतलब एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि देखो, आपके पास 2:1 के रेशियो में बोनस डिक्लेयर किया, आपके पास एक शेयर था, आपको अभी दो शेयर मिलेंगे, तो टोटल शेयर जो है वो आपके हो जाएंगे तीन। करंट मार्केट प्राइस जो वो ₹300 है, वो ₹300 के हिसाब से अभी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड हो जाएगी, मतलब 300 डिवाइडेड बाय 3 ₹100। तो अभी जो आपकी शेयर प्राइस है वो ₹100 के आसपास कहीं सेटल होते हुए आपको देखेगी। एग्जैक्टली 100 पे तो नहीं रह सकती, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट जो है वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है, और ये लिस्टेड कंपनी का शेयर है तो डेफिनेटली मार्केट ड्रिवन प्राइस होने वाली है। लेकिन यस, ये ₹300 नहीं होते हुए कहीं ना कहीं ₹100 के ऊपर या नीचे रहेगी। तो यही होता है बेसिकली बोनस शेयर में। बोनस शेयर में नए शेयर इशू किए जाते हैं, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, ये एक बुक एंट्री होती है, और यहाँ पे मार्केट कैप या वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर पे कोई भी असर नहीं होता है। तो ऑप्शन जो है वो है ट्रू। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, व्हेन द शेयर आर स्प्लिट द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर गोज अप। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एज पर सेबी रेगुलेशंस द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड पर शेयर बेसिस एंड एट द रुपी वैल्यू। आप पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, व्हेन द शेयर आर स्प्लिट। एग्जैक्टली स्प्लिट होता क्यों है, स्प्लिट होता है विद द इंटेंशन ऑफ आपका जो फेस वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगा, और प्रपोर्शनेटली आपके करंट मार्केट प्राइस भी रिड्यूस हो जाएगी, और ये शेयर ज्यादा अफोर्डेबल हो सकता है टू द शेयर होल्डर्स। ओके, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर गोज अप, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। व्हेन द शेयर आर स्प्लिट द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर गोज डाउन। सेकेंड स्टेटमेंट, एज पर सेबी रेगुलेशन द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड पर शेयर बेसिस एंड एट रुपी वैल्यू। तो ये करेक्ट है, सेबी ने रेगुलेट किया हुआ है, सेबी ने इंस्ट्रक्शन दिए हुए कंपनी को कि जब भी डिविडेंड आप डिक्लेयर करोगे तभी पर शेयर के बेसिस के ऊपर करोगे, मतलब ईच शेयर के सामने आपको कितना डिविडेंड मिलने वाला है, और वो रुपी में डिनोट करा जाएगा। मतलब अगर टाटा स्टील के शेयर्स के ऊपर अगर डिविडेंड मिल रहा है ₹20 पर शेयर, तो आपके पास अगर 200 शेयर होंगे तो 20 × 200 दैट इज 4000 इज गोइंग टू बी योर डिविडेंड अमाउंट। तो ये कैलकुलेट करने के लिए इन्वेस्टर को आसान हो जाता है कि डिविडेंड कितना डिक्लेयर हुआ है पर शेयर बेसिस। पहले जो है वो परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू डिक्लेयर किया जाता था, तो उसके कुछ एम्बिग्युटी हो सकती थी, कुछ क्लैरिटी नहीं आती थी शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन जो है वो इन्वेस्टर के माइंड में नहीं रहेगा। कंपनी ने जो डिक्लेयर किया हुआ डिविडेंड है, मल्टीप्लाई करो आपके पास जितने शेयर है वो हो जाएगी आपकी डिविडेंड इनकम। तो करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एन एसेट इज सेड टू बी डैश इफ द प्राइस इज लोअर देन इट्स वैल्यू। एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। करंट मार्केट प्राइस है से एक कंपनी के शेयर का ₹500, और इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी कैलकुलेट की है यूजिंग डिफरेंट मेथड। वहां पे काफी सारे मेथड है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं या वैल्यूअर्स यूज करते हैं, जैसे एसेट बैकिंग मेथड हो सकती है, यील्ड बेसिस मेथड के ऊपर आप कैलकुलेट कर सकते हो, फेयर वैल्यूएशन मेथड होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड, देर आर मेनी मेथड विच आर यूज। उसके बाद जैसे वैल्यूएशन पैरामीटर्स है, पीजी रेशियो है, उसके बाद प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, तो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को इस्तेमाल करते हुए जब वैल्यूअर्स ने इसकी वैल्यू निकाली तो समझ में आया है कि ये वैल्यू जो है ये समवेयर अराउंड 700 है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये आगे पीछे हो सकती है। तो करंट मार्केट प्राइस जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है इन द मार्केट, और वैल्यू निकल के आई है समवेयर अराउंड ₹700। अभी यहाँ पे आपको वैल्यू ज्यादा है और मार्केट में ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, दैट मीन्स 500 में मिल रहा है, तो हम उसे बोलेंगे अंडर वैल्यूड शेयर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अंडर प्राइज, ओवर प्राइज, फेयरली प्राइज, नन ऑफ द अबाउट।
तो ये है हमारा अंडर प्राइज्ड शेयर। प्राइस जो है वो वैल्यू से नीचे है। एक इन्वेस्टर हमेशा अंडर प्राइज्ड या अंडर वैल्यूड शेयर के खोज में रहता है। जब भी मार्केट उस पर्टिकुलर शेयर को, उस पर्टिकुलर कंपनी को करेक्ट प्राइस देगी, करेक्ट वैल्यू देगी, तभी इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर को फायदा होगा। तो अंडर प्राइज शेयर एंड एसेट इज सेट टू बी अंडर प्राइज और अंडर वैल्यूड इफ द प्राइस इज लोअर देन इट्स वैल्यू। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ अ बॉन्ड्स आर अ सेफ ऑप्शन फॉर इश्यूअर इन अ फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो। इंटरेस्ट रेट जब गिर रहे होते हैं मार्केट में, वो टाइम पे जो बॉन्ड्स इश्यूअर के लिए एक सेफ ऑप्शन हो सकता है या एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, वो है आपका कॉलेबल बॉन्ड्स। कॉलेबल बॉन्ड जो है वो कॉल ऑप्शन के साथ आता है। मतलब एक इश्यूअर है जिसने कुछ बॉन्ड्स इशू किए थे से 3 साल पहले, और उसके जो इंटरेस्ट रेट था से वो 10% का था। अभी वो सेम क्रेडिट रेटिंग वाले जो बॉन्ड्स है उनका इंटरेस्ट रेट मार्केट में चल रहा है 8%। अभी इश्यूअर के पास एक ऑप्शन है, अगर उसने कॉलेबल बॉन्ड सभी इशू किए रहेंगे 10% वाले इंटरेस्ट रेट वाले बॉन्ड्स, इन दैट केस इश्यूअर जो है वो अपने बॉन्ड्स वापस मंगवा सकता है 3 साल के बाद, और पैसे जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को वापस दे सकता है। और अगर वो बाद में वापस से बॉन्ड्स अगर इशू करेगा तो ये बॉन्ड्स उसको 8% इंटरेस्ट रेट के बर्डन के साथ आएंगे, ना ही 10% इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि अभी मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो है वो घट गए हैं। तो जब भी फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो होता है तभी इश्यूअर कॉलेबल बॉन्ड अगर उन्होंने इशू किए रहेंगे तो उसके लिए सेफ ऑप्शन साबित हो सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं, कॉलेबल, पुटेबल, जीरो कूपन, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन इज कॉलेबल बॉन्ड्स। जब इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए रहते हैं वो टाइम पे पुटेबल बॉन्ड जो है वो एक सेफ ऑप्शन होता है फॉर द इन्वेस्टर, और जब फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो होता है तभी इश्यूअर के लिए सेफ ऑप्शन होता है कॉलेबल बॉन्ड्स का। नेक्स्ट, द ईवी टू ईबिट रेशियो इन एन इंडस्ट्री इज 8%। नेक्स्ट, द ईवी टू एबिट रेशियो इन एन इंडस्ट्री इज 8 टाइम्स, दैट इज 8x। अ कंपनी विद डेट ऑफ 100 करोड़ एंड एबिट ऑफ ₹400 करोड़, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कंपनीज इक्विटी। हमारे पास ईवी टू एबिट रेशियो है, दैट इज 8x, 8 टाइम्स। और ईवी हमें कैलकुलेट करना है तो हम करेंगे 8 के साथ मल्टीप्लाई एबिट को। तो एबिट है आपका 400, तो आपका ईवी का अमाउंट आ जाएगा 400 × 8, दैट इज 3,200 करोड़। तो ये आ गया आपका एंटरप्राइज वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? तो इक्विटी की वैल्यू, अगर ये लिस्टेड कंपनी है तो आप मार्केट कैपिटलाइजेशन ले सकते हैं, उसके बाद डेट की वैल्यू माइनस हम करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी कैश की यहाँ पे हमें कोई भी डिटेल नहीं दी है, तो एंटरप्राइज वैल्यू हमने अभी कंप्यूट की हुई है। इक्विटी की वैल्यू जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है, और डेट है हमारे पास 1,000 करोड़ के, तो हमारी इक्विटी निकल के आएगी यहाँ पे ₹2,200 करोड़। ऑप्शन देखते हैं, आंसर इज ₹2,200 करोड़। नेक्स्ट, द डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 1:1, द साइज ऑफ द बैलेंस शीट इज 40 लाख्स, द रिटर्न ऑन इक्विटी इज 20%, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो है कंपनी का 1:1, मतलब एक पोर्शन डेट का है तो एक पोर्शन जो है वो इक्विटी का है। साइज ऑफ द बैलेंस शीट जो है वो 40 लाख्स की है। साइज ऑफ द बैलेंस शीट इज नथिंग बट डेट प्लस इक्विटी, मतलब 1 + 1 इज 40 लाख्स। डेट टू इक्विटी इज 1:1, साइज ऑफ द बैलेंस शीट इज 1 + 1, दैट मीन्स डेट प्लस इक्विटी, तो ये आ जाएगी 2। अभी आपके पास साइज ऑफ द बैलेंस शीट कितनी दी है? तो साइज आपको दी है 40 लाख्स की। तो क्या अभी डेट और इक्विटी का प्रपोर्शन आप समझ सकते हो? तो यस, डेट हो जाएगा 20 लाख्स का और इक्विटी हो जाएगी आपकी 20 लाख्स। ओके, 20 लाख्स + 20 लाख्स 40 लाख्स। हमें एक और इंफॉर्मेशन दी है, द रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज 20%, और कैलकुलेट करने के लिए बोला है नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी कैलकुलेट करने के लिए हम रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला का हेल्प लेंगे। तो आरओई का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी। आरओई है 20% इक्वल टू
नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी कितना है आपका? इक्विटी है 20 लाख का, तो 20% ऑफ 20 लाख एनपी इज 4 लाख। वापस एक बार देख लेते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 1:1 है, साइज ऑफ द बैलेंस शीट जो है वो हमारी 40 लाख की है, साइज ऑफ द बैलेंस शीट इज नथिंग बट इक्विटी प्लस डेट, तो 1 + 1 हमने किया हमें मिला 2, 2 को हमने डिवाइड किया साइज ऑफ द बैलेंस शीट के साथ दैट इज 40 लाख के साथ, और हमने प्रपोर्शन देखा डेट का कितना है और इक्विटी का कितना है। इजी है, यहाँ पे प्रपोर्शन इक्वल था तो हमें कैलकुलेट करने के लिए आसान हो गया, 40 लाख डिवाइडेड बाई 2 × 1 किया तो हमें मिल गया इक्विटी का प्रपोर्शन, 40 लाख डिवाइडेड बाई 2 × 1 किया तो हमें डेट का प्रपोर्शन मिल गया। हमें रिक्वायरमेंट है इक्विटी के प्रपोर्शन की, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। विद द हेल्प ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी जो है हमने कैलकुलेट किया हमारा नेट प्रॉफिट जो निकल के आया 4 लाख का। तो अभी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, आंसर इज 4 लाख। नेक्स्ट, व्हेन वन इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सर्टेन? क्वांटम ऑफ द कैश फ्लो इज नोन? तो नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितना डिविडेंड जो है वो कंपनी देने वाली है, तो क्वांटम ऑफ द कैश फ्लो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितना आने वाला है, क्योंकि डिविडेंड देना हर कंपनी को कंपलसरी नहीं होता है, ये डिपेंड करता है डिसीजन के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिसीजन के ऊपर कि उनको कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना भी है या नहीं। अमाउंट ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन इज नोन? तो नहीं, ये भी हम नहीं असर्टन कर सकते हैं। हर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है विद द इंटेंशन कि हमारा करंट मार्केट प्राइस पे जो हमने खरीदा है एक पर्टिकुलर शेयर, उसकी प्राइस आने वाले दिनों में बढ़े, लेकिन वो कितनी बढ़ेगी उसका एंटिसिपेशन कोई नहीं कर सकता। टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लो इज नोन? तो टाइमिंग भी आपको नहीं पता है, अगर आपको डिविडेंड कंपनी देगी भी तो कभी देगी, ये इंटरिम डिविडेंड होगा, फाइनल डिविडेंड होगा, स्पेशल डिविडेंड होगा, या तीनों डिविडेंड होंगे, या सिर्फ एक डिविडेंड होगा दैट इज फाइनल डिविडेंड होगा, इसका कोई भी टाइमिंग जो है वो आपको नहीं पता है। मतलब तीनों चीज इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने, इक्विटी शेयर के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ना ही क्वांटम ऑफ द कैश फ्लो नोन, ना ही कैपिटल अप्रिसिएशन इज नोन, ना ही टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लो इज नोन, तो आंसर इज नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इफ इम्पोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स देन द कंट्री विल हैव करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट सरप्लस, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट सरप्लस। पहले तो हमें समझना है कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो करंट अकाउंट के आइटम्स है, और करंट अकाउंट में यहाँ पे डेफिसिट कभी होता है जब इम्पोर्ट ज्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट्स कम होते हैं। जब आप इम्पोर्ट ज्यादा करेंगे तभी हम जो भी रॉ मटेरियल है या जो भी हम टेक्निकल नो हाउ है या जो भी हम आइटम्स मंगवा रहे हैं वो ज्यादा वैल्यू के हैं, और एक्सपोर्ट हमारे कम वैल्यू के हो रहे हैं, तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हम ज्यादा खर्च करेंगे और हमें फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कम आने वाला है, तो ऑटोमेटिकली जो होगा यहाँ पे वो होगा करंट अकाउंट डेफिसिट। पार्ट वन और पार्ट टू मिला के हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, ये एक मिक्स बैग क्वेश्चन का सेशन था। ऑलमोस्ट 500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस हमने इसी फॉर्म में और इसी फॉर्मेट में कवर किए हैं हमारे एप्लीकेशन में, वहां पे जाके आप इसका ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। एक्चुअली स्पीकिंग जो हमारा पूरा वर्कबुक है वो 13 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, तो हमने भी हर चैप्टर पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को जो है वो हमने वहाँ पे कंपाइल किया है, और वीडियो फॉर्मेट में उसको हमने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, प्लस मॉक टेस्ट भी आपके पास है, ऑलमोस्ट 500 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट के क्वेश्चन है जहाँ पे आपका प्रोग्रेस जो है वो आप चेक कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।